हाय गाइस, तेलुगु धोती कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका। ये देखिए इसका वेस्ट कितना है, 22। तो अपन क्या करेंगे, 26 रखेंगे, ठीक है। इतना पे निशान डाल देंगे और हाफ इंची इधर मार्जिंग, हाफ इंची इधर, ठीक है। ये मार्जिंग में गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 इंची रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट कर देंगे और ऊपर से ये 6.5, ठीक है। और इसको ऐसा निशान डाल देंगे, एक ऐसा, एक ऐसा, ठीक है। इसको ऐसा सेव कर दो, ठीक है। तेलुगु धोती का कठिन है, लेंथ कितना है, 24 रख देंगे, ठीक है। ये इतना सा भर के रखना है मार्जिन के लिए। और ये वाला पार्ट बेल्ट में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करें, ऐसा कट कर दिया, इसको ऐसा सेव डाल दें, बस। ये तेलुगु धोती का कटिंग कंप्लीट है, देखिए, ठीक है। एक तो पल्ला बना देता हूँ, ये तेलुगु धोती है। ये पहले उल्टा तरफ ऐसा करके इसको ऐसा नाखून डाल दो, ठीक है। ऐसा नाखून डालने से ये फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद इसको एक ऊपर स्टिचिंग, ये अपन बॉर्डर डाल रहे हैं, ये हो गया। ये होने के बाद इसको ऐसा करके का स्टिचिंग करने, कटिंग से लेके स्टिचिंग तक बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। अभी ये देखो, ये अपन अपोजिट मार दिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको कैसा करेंगे, ये ऐसा रख के इसको ऐसा करें, ठीक है। ये वाला को भी ऐसा रख देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से स्टिचिंग डाल देंगे, अभी ऐसा लगने के बाद एकदम आसान तरीका है। अगर वीडियो आप गौर से देखोगे तो कंपलसरी सी सकते हो। सबसे महंगा यहाँ पर ही है, ठीक है, सबसे भारी यहाँ पे ही पड़ता। इंसान को जल्दी समझ में जो नहीं आता, यहाँ पे ही समझ में नहीं आता। अब क्या करो, इसको ऐसा रख के ऐसा रख दो। ऐसा रखने के बाद बस नॉर्मली ऐसा स्टिचिंग कर दो, बनके रेडी है। उसको हम सीधा कर लेते हैं, थोड़ा देर पैट पर डाले ऐसा फोल्डिंग। देखो ये जो है ना, ऐसा डाल के
दूसरी साइड का भी सेम इसी तरह फोल्डिंग फॉल से डाल के ऐसा स्टिचिंग डाल दो, ठीक है। ये हमारा ये तो रेडी हो गया, अब इसमें बेल्ट डालेंगे।